गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, जिस वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पहला प्रश्न है डिस्कस हाउ लिसिडियस हैज एन ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, यानी आत्मजीवन के कुछ तत्व है लिसिडियस में, इसका वर्णन कीजिए। दूसरा है एलिब्रेट द थीम ऑफ द पोएम लिसिडियस विल बी ए सूटेबल एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर, लिसिडियस की जो थीम है उसके बारे में एग्जाम्पल दीजिए, सूटेबल एग्जाम सपोर्ट योर आंसर, 2019 का आया हुआ है। तीसरा, थ्रो लाइट ऑन लिसिडियस एज ए पेस्ट्रोल एलर्जी, पेस्ट्रोल एलर्जी, ये पेस्ट्रोल एलर्जी है जो ग्रामीण जीवन से चारागाह से संबंधित रखती है, तो एलिजी नहीं दुकान। तो तीसरा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपके आ चुके हैं, तो पहले वन बाय वन इनका हम अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है डिस्कस हाउ लिसिड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। हम देखते हैं जॉन मिल्टन फेमस पोएम लिसिडियस अबाउट द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग, ये जॉन मिल्टन फेमस पोएम है लिसिडियस, ये अपने फ्रेंड, उसका दोस्त है एडवर्ड किंग, उसकी डेथ के बारे में है। हुम द पोइट कॉल्स लिसिडियस, जिसको फ्रेंड ने लिसिडियस कहा है, मतलब फ्रेंड का नाम है एडवर्ड किंग और उसका नाम दिया है लिसिडियस। फॉलोइंग द पेस्ट्रोल ट्रेडिशन हु ड्राउंड एट द सी, ये लिसिडियस एक पेस्ट्रोल ट्रेडिशन परंपरा को पालन करता है। पेस्ट्रोल उनको बोलते हैं, मतलब पेस्टर जो चारागाह होते हैं, पेस्ट्रोल ग्रामीण जीवन से संबंधित जो भी होते हैं उनको पेस्ट्रोल बोलते हैं, जो ग्रामीण जीवन से संबंधित जो परंपरा है, जिस शेफर्ड ग्वालिये हैं उनसे संबंधित है, तो उनसे ये लिसिडियस सब लिया गया है। हु ड्राउंड एट द सी, जो समुद्र में डूब गया था, उसका दोस्त एडवर्ड किंग यानी लिसिडियस समुद्र में डूब गया था। द फर्स्ट न्यू लाइन्स ऑफ दिस अप्रोक्सीमेटली 200 The first few lines of this approximately 200 lines poem explain the circumstance of King Death in the shipwreck about the Chester in the year 1636. जो first few lines है उसकी प्रारंभिक लाइन है 200 लाइन, इस poem को explain करती है कि जो King Death हुई थी, किस परिस्थिति में हुई थी, एक shipwreck, एक जहाज के टूटने से, एक जो Chester के लिए एक जहाज का Chester का दल का समूह था उसके टूटने से 1636 के लगभग 1636 में टूटने से मृत्यु हो गई थी। द स्पीकर एक्सप्लेन द स्पीकर एक्सप्लेन दैट ही इज पिकिंग अनराइप बेरीज ऑन द ओकेजन ऑफ लुसियस डेथ, स्पीकर एक्सप्लेन करता है कि वह कुछ अनराइप यानी पके हुए बेरी उठा रहा है ऑन द ओकेजन लिसिड डेट पर, जो लिसिड डेट की मृत्यु पर वो कुछ अनपके हुए बेरी उठा रहा है। लिसिडियस हिमसेल्फ वाज ए पोइट, लिसिडियस वाज खुद एक कवि है, एंड द नरेटर डिस्क्राइब हिमसेल्फ, और नरेटर ने अपने आप को भी वर्णित किया है एज लेट फ्रेंड, एंड इज लेट फ्रेंड एज ए शेफर्ड ट्रेडिंग ए फ्लॉक, और अपने आप को तथा अपने मित्र को एक शेपर्ड की भांति चारागिर की शेपर्ड की भांति, मतलब गवाले की तरफ भांति बताया है, जो कि एक फ्लॉक यानी झुंड की तरफ जा रहा है, टेंडिंग ए फ्लॉक, एक झुंड की भांति मुड़ रहा है। तो आप देख सकते हो लिसिडियस हिमसेल्फ आज ए पोइट एंड द नरेटर डिस्क्राइब हिमसेल्फ एंड इज लेट फ्रेंड एज ए शेपर्ड ट्रेडिंग ए फ्लॉक, इस प्रकार लिसिडियस खुद और उसका लेखक खुद और उसका लिसिड दोस्त एक सेपट की भांति, एक चौराहे की भांति वहाँ से उनको बताया गया है। लिसिड डेट अकॉर्डिंग द पोएट मेटाफर, लिसिड की मृत्यु कवि के मेटाफर की तरह ही है, इस लाइक की पैरासिट एक परजीव की तरह, इन्फेक्टिंग केटल जो पशुओं को इन्फेक्ट करता है, जो रोज यानी गुलाब की तरह इन्फेक्ट करता है,
तो उसकी तरह इनको बताया गया है परजी की भांति जो कैटल को रोज को इन्फेक्ट करता है। फिर अपन आगे चलते हैं। इन द मिडिल ऑफ द पोइम द पोइट टर्न्स टू आस्क द नीप व्हाई दे डिड नॉट प्रोटेक्ट द लिसियड। इसी बीच में कवि पोइम बोलता है कि पूछता है नीम से व्हाई डिड दे नॉट प्रोटेक्ट लिसिडियस, उसने लिसिडियस की मदद क्यों नहीं की। ही देन मूव्स इनटू कंटेंप्लेशन ऑन द टॉपिक ऑफ फेम। फिर वह इस विचारधारा में मुड़ता है, प्रसिद्धि की विचारधारा के में मुड़ता है। विच मैनी पोइट्स सीक्स ऑनर इन ऑर्डर देयर दे लिव पास्ट देयर मॉर्टल लाइफ, जिसमें बहुत सारे कवि एक ढूंढते हैं, प्रसिद्धि ढूंढते हैं अपनी पास्ट लाइफ में, इस क्षणभर जीवन में। अपोलो गॉड ऑफ म्यूजिक पोएट्री, अपोलो जो देवता है म्यूजिक और कविता का देवता है, रिप्लाई उत्तर देता है सेइंग दैट फेम इज नॉट नेसेसरी विद इन मॉर्टल पावर टू कंट्रोल, कि प्रसिद्धि जरूरी नहीं है इस क्षणभर संसार को कंट्रोल करने के लिए, इस क्षणभर ताकत को कंट्रोल करने के लिए प्रसिद्धि आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट लूसीड एक्सप्लेन दैट द शिप सैंक डिस्पाइट फेयर वेदर एंड सो मे हैव बीन कर्स्ड। और लूसीडियस एक्सप्लेन करता है दैट द शिप सैंक, उसका जहाज डूब गया है खराब मौसम होने के बावजूद, एंड शायद ये कर्स भी अभिशाप भी हो सकता था। तो आप इसका आपको पता लग गया। अगले चैप्टर में चलते हैं, अगले पैसेज में चलते हैं। द स्पीकर नेक्स्ट डिस्क्राइब द प्रोसेशन ऑफ डेटीज एंड रिवर गोड्स सच ए कैमस फॉर द रिवर इन कैम्ब्रिज रिवर। तो स्पीकर नेक्स्ट अगले पैसेज में वर्णन करता है कि जुलूस देवी देवता का जुलूस है, जो नदियों की देवी देवता है, नदियों की जो देवियाँ हैं, सच एज कैमस, जो कैमस भी है जो कैम्ब्रिज की रिवर मान जाती है उसको कैमस कहते हैं। हु अटेंड लूसीडियस फंडल, जो अटेंड कर रही है लूसीड की अंत्येष्टि को भी अटेंड कर रही है, इतनी सारी देवी देवता और देवियाँ जो लूसीडियस की अंत्येष्टि उसको अटेंड करते हैं। सेंट पीटर नेक्स्ट अपीयर्स इन मिल्टन रेल्स, सेंट अपीयर भी प्रकट होता है और मिल्टन रेल्स यानी उस पर बुरे शब्द कहता है उसको, यूजिंग उसको बुरे शब्द कहता है, यानी सेफिडिंग मेटाफर भी यहाँ पर यूज किया गया है। मिल्टन उसको बुरे शब्द कहता है। अगेनिस्ट अनफिट क्लेरिकी इन द चर्च, जो एक तरह का बुरा फादरी है, अच्छा फादरी नहीं है चर्च। होम क्राइस्ट विल इवेंचुअली स्माइट अपॉन देयर डेट, यहाँ तक कि क्राइस्ट भी उसको उस पर प्रहार करता है अपनी मृत्यु के लिए, उसको प्रहार करता है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। दिस इज नॉट द लूसीड इन डेथ, ये लूसीड की डेथ नहीं है। कवि कह रहे हैं ये नॉट सो फॉर लेट, ये लूसीड की डेथ नहीं है। इन डेथ लूसीड विल बिकम ए जेनियस ऑफ द सोर, और मृत्यु में लूसीड एक जो किनारा है उसका जीनियस यानी प्रतिभा कौशल है, जो उस किनारे का वो कौशल बन जाता है, ट्रक्स का जीनियस बन जाता है। गार्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्रेवलर्स बाय द सी, जो गार्ड करता है, सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करता है जो ट्रेवलर्स जो यात्री करते हैं बाय सी समुद्र के में, उनकी रक्षा करता है। द पोइट इनक्रीज द शेपर्ड एंड अदर इन अटेंडेंस एट द फनल प्रोसेशन टू सीज देयर लैमेंट फॉर लिसियर्स, और पोइट उनको गुस्सा करता है गडरियों को, और एंड अदर्स इन अटेंडेंस जो दूसरों को भी जो फनल जुलूस में शामिल हुए हैं, कि टू सीज देयर लैमेंट फॉर लिसियड, जो लिसियड की जो विलाप है उसको अंत होने के लिए जो प्रोसेशन जुलूस है, अंत्येष्टि का जुलूस है, उसके समाप्ति के लिए आए थे। एज ई विल नॉट स्टॉप बिंग रिमेम्बर्ड व्हेन द फनल एंड्स, वह उनको याद करने से बिल्कुल नहीं रोकेगा जब फनरेल ख़त्म हो जाएगा, अंत्येष्टि ख़त्म हो जाएगी। बट विल राइज अगेन, लेकिन वह दोबारा अंत्येष्टि वापस उदय हो जाएगी, लाइक ओरियन स्टार की भांति वह अंत्येष्टि दोबारा उदय हो जाएगी। यानी कहने का कवि का यह मतलब है कि वह अंत्येष्टि कभी ख़त्म नहीं होगी और वह उनको याद करते रहेंगे जो भी उनकी अंत्येष्टि में आए थे। बाई मीन्स ऑफ ए सॉन्ग,
और उसकी सॉन्ग्स के द्वारा, यानी मिल्टन के सॉन्ग्स के द्वारा वो अंत्येष्टि रुकेगी नहीं और फैलती जाएगी, उसका अंत नहीं होगा, और उसका दोस्त के लिए जो विलाप है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। फिर है फाइनली द पोइट गैदर्स हिज मेंटल एज द सन सेट्स एंड रिटायर्ड फॉर द डे। टुमारो द पोइट विल सिंग अगेन इन अदर पास्चर्स। अंत में कवि एक मेंटल आवरण इकट्ठा करता है, जैसे कि सन अस्त होता है और अपने दिन के लिए लौट जाता है, उसी प्रकार कवि एक आवरण इकट्ठा करता है। लास्ट में इसका अंतिम है, इसलिए कवि कवि सूरज की तुलना करता है अस्त के रूप में। टुमारो द पोएट विल सिंग अगेन इन अदर पास्चर। अगले दिन सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, कवि पास्चर इन चारागार, अलग दूसरे चारागार में वही गाना दोबारा गाएगा, ताकि उसके दोस्त वापस पुनर्जीवित हो सके। तो इसमें अपने दोस्त को वापस मॉर्टल होकर भी वापस उसको जीवित करने के लिए लेखक ने ये लिसीडियस की रचना की है, ये इसकी ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं। एलोब्रेट द थीम ऑफ द पोएम लिसीडियस विल बी सूटेबल एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर। तो उसके आपको विस्तृत वर्णन करना है इसकी थीम के बारे में। तो डेथ, थीम का डेथ, डेथ के बारे में पहला पॉइंट डेथ है, फिर रिब्रथ है, फिर करप्शन है। तो डेथ, डेथ इज द जॉन मिल्टन पर्पज फॉर राइटिंग लिसीडियस। जो मृत्यु है, जॉन मिल्टन का मुख्य उद्देश्य है लिसीडियस लिखने का। एडवर्ड किंग ए फ्रेंड ही अटेंडेड कॉलेज। दूसरा क्वेश्चन है अपनी, एलोब्रेट द थीम ऑफ द पोएम लिसीडियस विल बी सूटेबल एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। इसकी थीम का आपको विस्तृत वर्णन करना है और सूटेबल एग्जाम्पल के द्वारा इस आंसर को आपको लिखना है। तो पहला, डेथ इज द जॉन मिल्टन पर्पज फॉर राइटिंग लिसीडियस। जॉन जो डेथ है, जो पर्पज है उसका, डेथ उसका पर्पज है जॉन मिल्टन की राइटिंग का लिसीडियस लिखने का। पहला है डेथ। एडवर्ड किंग ए फ्रेंड ही अटेंडेड कॉलेज विद राउंड एंड इज बॉडी वाज लॉस्ट है थी। जो उसका फ्रेंड था एडवर्ड किंग, उसका दोस्त था जो कॉलेज में उसके साथ जाता था, और डूब गया और उसकी बॉडी समुद्र में खो गई। मिल्टन वाज आस्क्ड टू राइट एन एलिजी फॉर हिम। और मिल्टन को कहा गया उसके बारे में कुछ दुखांत कविता आप लिखिए। ही गिव्स किंग द पोर्ट्रेट मोनिकर लिसीड्स। मोनिकर का यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज है मुझे भी। और वो ही गिव्स किंग द पोएटिक, और वह उसे एक पोएटिक की भांति लिसीडियस देता है। एंड मोन्स हिम इन द पोएम, और उसके लिए दुख व्यक्त करता है इस कविता के माध्यम से। एक किंग की भांति कविता लिखता है मोनिकर लिसीडियस। ही सेज किंग वॉज टेकन बिफोर द प्राइम ऑफ हिज ईयर्स। और वह कहता है किंग को ले जाया गया प्राइम ऑफ ईयर्स, वर्षों से पहले इसको ले जाया गया था। ई आस्क द नीम्स वाई दे डिड नॉट इंटरवीन बिफोर रियलाइजिंग दे कुड नॉट इवन सेव देयर ऑन लर्ड वंस एट द। तो यहाँ पर बताया गया है, ही आस्क द नीम्स, नीम्स यानी देवी देवता होती है जो परिया होती है, उनसे कहा गया कि आपने इंटरवीन इसको हस्तक्षेप नहीं क्यों नहीं किया गया। बिफोर रियलाइजिंग देर ए कुड नॉट इवन सेव देर आउन ब्लड वंस एट द टाइम्स। जब महसूस कर रहे थे कि उसकी जान नहीं बचाई जा सकी, उस समय आपने इंटरवीन क्यों नहीं किया, मतलब जब उसको बचाए क्यों नहीं गया आप। ये पर्सन देवी देवी परियों से पूछ रहा है, निमसैनी परियों से पूछ रहा है लेखक कि आपने उसको क्यों नहीं बचाया मृत्यु के समय। डेथ इज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द पोएम। डेथ जो है वो गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द पोएम, इस पॉइंट को गाइड करने वाली सिद्धांत है। एंड इज डिस्कस्ड, यहाँ पर डिस्कस किया गया, मौन विलाप किया गया, एक्सेप्ट स्वीकार भी किया गया लेखक के द्वारा। एंड फाइनली ओवरकम बाय मिल्टन थ्रू इज लास्टिंग लाइन्स, और इस पर जीत भी पाई गई इस मृत्यु पर। लास्टिंग लाइन में इसको मृत्यु को स्वीकार, इसके वर्णन भी करता है, इस पर विलाप भी करता है, और उसको स्वीकार भी करता है, अंततः उस पर जीत भी जाता है। वो मृत्यु को एक सत्य मानता है। तो ये जॉन मिल्टन की डेथ कविता लिखी गई है। अब आगे चलते हैं, दूसरा है रिबर्थ। इसकी थीम का दूसरा है रिबर्थ। रिबर्थ इज अनदर थीम मिल्टन पोएम। मिल्टन पोएम की रिबर्थ यानी पुनः जन्म लेना, मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेना। इन द एंड मिल्टन स्पीकर से द लिसीड इज नॉट रियली डेड। तो मिल्टन का मानना है, कहता है कि लिसीडी अभी तक वास्तव में मरा नहीं है, रादर
ही इज लाइक द सन, वो एक सूर्य की बाती है, सिमिली का प्रयोग हुआ है, विच सिंक्स इन टू द ओशियन एट नाइट, जो रात्रि को डूब गया है, बट राइजेज हाई अगेन इन द मॉर्निंग, और सुबह वापस उदय हो गया है, उठ गया है। तो रिबर्थ उसको मान, मिल्टन उसको एक रिबर्थ की मान मानता है, जैसे जीसस क्राइस्ट मर गए थे, तीसरे दिन उठ गए थे, उसी तरह मिल्टन भी अपने दोस्त को एक क्राइस्ट की भांति मानता है, जो वापस उदय हो जाता है, वो जीवित हो जाता है, बाय फोकसिंग ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ रिबर्थ, और वो इस बात पे विश्वास करता है पॉसिबिलिटी फॉर रिबर्थ की, उस पर ज़्यादा जोर देता है। ही ऑफर्स कंफर्ट टू पीपल हु मॉर्न द डेड, और वो लोगों को सांत्वना देता है जो लोग उस पर मृत्यु पर विलाप कर रहे थे। द आइडिया देयर सम पार्ट्स ऑफ लिसिडियस, ये विचार जो लिसिडी का इसमें जो हिस्सा है, लिव्स ऑन ए पॉजिटिव वन, और एक सकारात्मक विचार है, दैट कैन हेल्प पीपल हु स्टिल मिस हिम, और जो उन लोगों की मदद करता है जो उनको खो दिया था, लिसिडियस को, उनको एक पॉजिटिव तरीके से उनकी हेल्प करता है। इट गिव्स देम सम काइंड ऑफ होप, और उनमें एक आशा का संचार देता है, दैट इज नॉट कम्प्लीटली गॉन फ्रॉम द वर्ल्ड, कि वह पूरी तरह यहाँ से संसार में गया नहीं है। इवन दो दे कैन नॉट इवन ब्यूर हिज बॉडी, एक भी उसकी उसकी जो बॉडी है उसको जला नहीं सके, दफना नहीं सके, क्योंकि उसकी जो बॉडी है समुद्र में खो गई थी। तो ये रिबर्थ पर विल्टन का विश्वास है। तीसरा अपन चलते हैं करप्शन के बारे में, इसकी थीम है तीसरी करप्शन के बारे में। करप्शन के बारे में इस द चर्च अनदर थीम, करप्शन के बारे में उसके मानता है कि इसकी अनदर थीम है, एंड वन दैट माइट सीम्स आउट ऑफ प्लेस एट फर्स्ट, यहाँ तक कि प्रतीत होता है कि फर्स्ट भी हो सकती है। मिल्टन एड्रेस सेंट पीटर, मिल्टन एड्रेस संबोधित करता है सेंट पीटर को, एंड डिस्कस द फैक्ट, इस बात पर विचार विमर्श करता है, दैट सम ऑफ द पीपल हु रिप्रेजेंट द चर्च, कुछ लोग रिप्रेजेंट करते हैं चर्च का, प्रतिनिधित्व करते हैं इंग्लैंड के जो चर्च का, आर नॉट आर्ट, वे नहीं है, दे शुड बी, जिन्हें होना चाहिए, यानी वास्तविक रूप से वह रियल, वास्तविक रूप से वो जो होना चाहिए वो नहीं होते हैं, छदम वेश में रहते हैं, दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं। ही पुट्स किंग अबव देम बाई सोइंग, और वह उनको राजा से ऊपर मानता है, रखता है, सोइंग यानी प्रदर्शित करते थे, ही वॉज गुड मैन, कि वह अच्छा आदमी है, वाइल द अदर मैन आर नॉट, वाइल द अदर मैन आर नॉट, और कुछ व्यक्ति वह नहीं होते हैं, वह उनको राजा से भी ऊपर मानता है, उन पादरियों को, कि वह अच्छा आदमी है, लेकिन कुछ व्यक्ति नहीं होते हैं। इंस्टेड दे आर मोर इंटरेस्टेड देन ऑन कैरियर्स, इसके बजाय वे अपनी कैरियर के बारे में ज़्यादा रुचि रखते हैं, देन इन डूइंग गुड थिंग्स फॉर द लॉर्ड, और जो ईश्वर के प्रति जो अच्छे कार्य के लिए, बजाय अपने कैरियर पर यानी स्वार्थ के प्रति ज़्यादा ध्यान देते हैं। सेंट पीटर आर्ग्यूज एग्रीज विद देम ऑन ऑल काउंट्स, और पूरी तरह सेंट पीटर भी इस बात पर उससे सहमत है, एंड ऑल्सो मॉन द लॉस ऑफ किंग विद हिम, और वह भी ईश्वर मिलाप करता है, जो एडवर्ड किंग है उसके लिए भी वो विलाप करता है, वो भी पूरी तरह सहमत है। मिल्टन रिफर्स टू सेंट पीटर एज द पायलट ऑफ गैलियन लेक, मिल्टन सेंट पीटर को एक पायलट ऑफ गैलियन लेक की भांति रिफर करता है, दर्शाता है। तो ये करप्शन के बारे में है, जो सेंट पीटर जो पादरी थे वहाँ के करप्शन थे, करप्टेड थे, उसके बारे में है। अब चलते हैं अपन तीसरा करना है, तीसरा प्रश्न है, थ्रो लाइट ऑन लिसिडियस पेस्टोरल पैलोजी, जो चारा जो पेस्टोल जो जो सेपर्ड की जो भूमि, गांव की भूमि है, वहाँ पर एक दुखांत कविता के माध्यम से इसको बताया गया। तो पेस्टोल एलोजी क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जॉन मिल्टन एज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द रिपर्टरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाई इज मोन्यूमेंटल पोएटिक वर्क, जॉन मिल्टन ने यहाँ योगदान दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से, रिपर्टरी खजाने जो इंग्लिश का लिटरेचर खजाना है, बाई इज मोन्यूमेंटल पोएटिक वर्क, और जो यादगार एक मोन्यूमेंटल पोएटिक वर्क के माध्यम से कंट्रीब्यूट किया है। हिज म्यूज, उसकी प्रेरणा शक्ति, उसके कार्य, सक्सेसफुली फाइंड्स एक्सप्रेशन इज एपिकल वर्क पैराडाइज लॉस्ट, जो एक महाकाव्य एपिकल पैराडाइज लॉस्ट, उसमें एक्सप्रेशन भी इनका सफलतापूर्वक होता है। मिल्टन इज हेल्ड इन हाई एस्टीम फॉर गिविंग ए न्यू डायमेंशन ऑफ इंग्लिश पोएट्री, और जो मिल्टन है वह एक इंग्लिश पोएट्री को नई दिशा, एक हाई नई दिशा देते हैं, हाई स्टीम यानी उच्च दर्जे की तरफ ले जाते हैं।
Lycidae is a pastoral elegy written on the death of Milton classmate Edward King. और Lycidae भी एक pastoral elegy है जो death Milton के जो classmate है. एलिजी मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है उस पर दुखांत कविता के रूप में हम एलिजी लिखते हैं. इसी प्रकार जो पेस्टोरल एलिजी है उसी के इसी से जुड़ा हुआ है. तो डेथ ऑफ मिल्टन क्लास में जो उसके दोस्त एडवर्ड किंग की मृत्यु हो जाती है तो उसी के बारे में एक पेस्टोरल एलिजी लिखा हुआ है. वो ड्राउनिंग शिप रेक इन द आयरिश सी. तो आयरिश सी में एक जहाज टूटने से डूब गया था. इन विच ही एक्सप्रेस इज ट्रिब्यूट टू हिज फ्रेंड और उस पर एक श्रद्धांजलि भी देता है. यूजिंग द एलिजिक पोम पॉपुलराइज्ड बाय द ग्रीक पोइट थियोक्रेटिस इन वर्जिल. तो उसका जो सबसे ज़्यादा यूज किया है गया है एलिजी यानी दुखांत का बाय द ग्रीक पोइट थियोक्रेटिस और वर्जिल द्वारा सबसे किया गया उसका यूज करते हुए उसको श्रद्धांजलि दी है. द पोइट डिस्क्राइब हिमसेल्फ स्पेंडिंग देयर टाइम इन सॉलिट्यूड ऑफ नेचर राइटिंग पोइट्री. और कवि खुद भी अपना व्यक्तित्व समय बिताता है एकांत में प्रकृति में और उस कविता लिखने में अपना समय करता है. द पोइट इन पेंसिव मूड यानी कभी भी बड़ा ही दुखी मूड में है मतलब दुखी मूड में है. हिज ए लिटिल बिट शॉक वह भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है. इज द नीम फेलिंग टू रेस्क्यू हिज फ्रेंड फ्रॉम द डेडली बेस ऑफ द सी. जो परिया है जो समुद्र में जो परिया रहती है वो भी उसकी बचा नहीं पाती उसके दोस्त को फ्रॉम द डेडली वेव्स जो समुद्र की जो लहरें हैं भयानक लहरें उससे बचा नहीं पाती. द पोएम एंड्स विद ए नॉट ऑफ जॉय एंड होप. और फिर भी कभी ये कविता खुशी और आशा से अंत में समाप्त होती है. इट इज़ बेस्ड ऑन द क्रिश्चियन बिलीफ और क्रिश्चियन बिलीफ पर ये पूरी तरह आधारित है. दैट लिसिड हैज रिसरेक्टेड यानी पुनर्जीवित होना ऑन द थर्ड डे तीसरे दिन विद द हेल्प ऑफ क्राइस्ट क्राइस्ट की मदद से लिसिए तीसरे दिन वापस जीवित हो जाएगा. इस आशा पर ही टिकी हुई है क्रिश्चियन फिलिप जिस प्रकार ईसा मसीह तीसरे दिन जीवित हो गए थे इसी पर आधारित है. हु वॉक्ड ऑन द वेव्स और बाय द सी और जो कि समुद्रों पर जो कि समुद्र की लहरें हैं उस पर चलते हैं. तो इसी बात ही मेरा दोस्त भी समुद्रों पर चलेगा जो उन्होंने जो समुद्र की लहरों ने उसको डुबो दिया था. Lycidas rose up to the heaven और Lycidas फिर स्वर्ग में की तरफ उठेगा. जस्ट एज द सन राइजेज जिस प्रकार सूर्य भी उदय होता है ईस्टर्न होरिजन यानी पश्चिमी स्थिति की बात ही उदय होता है उसी प्रकार वो भी उदय होगा. तो यहाँ पर उपमा है सिमिली ही इज वेलकम इन द हेवन उसका स्वागत किया जाएगा स्वर्ग में विथ ए नप्टिलियस सॉन्ग संग बाई और जो न्यूपिटियल सॉन्ग के माध्यम से जो गाया जाएगा बाई द एंजल्स यानी एंजल के द्वारा एंड सेंट्स यानी देवी देवताओं के द्वारा गाया जाएगा. एंड जी टीयर्स वार वाइप्ड आउट बाय द एंजल्स उसके आंसू भी देवी देवताओं से पूछे जाएंगे. द पोइट देयरफॉर सजेस्टेड दैट शेपर्ड नॉट टू शेड टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ द डिपार्टेड सोल. और कवि यहाँ पर भी इसलिए सजेस्ट करता है कि शेपर्ड को भी जो गडरी है जो ग्वालें गडरी है मतलब ग्वालें हैं उनको भी भेड़ बकरी चराने वाले होते हैं उनको गडरी बोलते हैं उनको भी अपने आंसू नहीं बने बहानी नहीं चाहिए. ऑन द डेथ ऑफ डिपार्टेड सोल जो आत्मा चली जाती है उस पर भी आंसू नहीं बहाने चाहिए. बिकॉज ही हैज़ बीन रिसरेक्टेड लाइक द क्रिस्ट क्योंकि वह वापस क्राइस्ट की बात ही वापस जीवित हो जाएगा पुनर्जीवित हो जाएगा. एंड बिकम द गार्जियन एंजल ऑफ द सोल टू प्रोटेक्ट एनी वन और एक गार्जियन एंजल की बात ही वो बन जाएगा और प्रोटेक्ट करेगा ऑफ द सोल जो तटीय पर एक एंजल की भांति गार्जियन के रूप में जैसे लाइट हाउस होती है वैसे रक्षा करेगा. एनी वन हु पास इन द सी जो भी समुद्र में गिर जाएगा उसकी रक्षा करेगा. Lycidas ए क्यूरियस मिक्सर ऑफ पेगान लवनीनेस एंड क्रिश्चियन थियोलॉजी. Lycidas ने यहाँ पर बहुत ही उत्सुकतापूर्ण मिक्सर किया है पेगान लवलीनेस जो पेगान का प्रेम है और क्रिश्चियन थियोलॉजी है उसको भी इसमें यानी बाई बिकलिकल भी लिया है इसका मिक्सर किया है. इन विच मिल्टन रिफर्स टू वुडलैंड डेटीज जो जंगल की देवी है जंगल की देवी देवता है उनको भी इसमें रिफर किया है जैसे स्टायरस फोनास यानी देवी देवता जो वनस्पति के हैं सी डेटीज समुद्री देवता है लाइक नेप्यूचन पेनोप टाइटन. तो इनको भी देवता ने इस मिल्टन ने सभी देवी देवताओं को इसमें मिक्स किया है चाहे से वो जंगल का देवता हो चाहे से क्रिश्चियन हो चाहे से पैगान सभी को उन्होंने मिक्स किया है.
रिवर लाइक एल्पियस, एल्पियस एथ्रेसा जो सम जो जो फवारा है फाउंटेन, उनकी देवी देवताएं आर पर्सनिफाइड या महामानीकरण किया गया है नदियों का भी। लिसिड कैन बी डिवाइडेड इनटू सिक्स सेक्शन, लिसिडियस को छह भागों में बांटा गया है बिसाइड फोर मेन, चार पार्टों के अलावा फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट आर प्रोलॉग यानी प्रस्तावना और एपिलोग यानी उपसंहार है। फर्स्ट और लास्ट का प्रस्तावना उपसंहार है। आगे देखते हैं, इन द प्रोलॉग विच कंटिन्यू अप टू 20 लाइन्स एक्सप्लेन द रीजन फॉर राइटिंग इन द राइटिंग द पोएम, और जो जो प्रोलॉग की 24 लाइन्स है वो एक्सप्लेन कर दिए द रीजन फॉर राइटिंग द पोएम, तो कारण बताती है कि मिल्टन ने पोएम क्यों लिखी उसका कारण बता दिया। एंड ट्रोल दे द बेटर कंस्टेट, और उसको कड़वा एक प्रतिरोध है उसको बताती है कि उसका दुख का जो सैड ओकेजन है, दुख का जो अवसर है, आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोएटिंग कंपोजिशन, जिसका सबसे बड़ा मूल कारण है इस पोएट कंपोजिशन करने का वो इसकी 24 लाइंस बताती है। इन द सेकेंड सेक्शन विच लास्ट अप टू 84 लाइंस मिल्टन रिकॉल द डेज एट कैम्ब्रिज, और सेकेंड सेक्शन में जो 84 लाइन है वो अपने पुराने दिन जो कैम्ब्रिज के कॉलेज के दिन को याद करता है। विच ही एंजॉयड इन द कंपनी ऑफ डियर फ्रेंड, जो उसके दोस्त की मृत्यु की उसकी संगति पे बड़ा आनंदित होता है जो दोस्त, तो कॉलेज के दिनों को किस तरह आनंदित होते हैं उसकी संगति को याद करता है। और थर्ड सेक्शन में मिल्टन डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ मोनर्स लेमिनेटिंग द डेथ ऑफ लिसियड, और उसका विलाप करता है जुलूस का जो उसकी डेथ बॉडी जो लिसिडियस जो मर गया था उसको जो जुलूस था जो जो पश्चाताप करने वाला का जुलूस था उसका विस्तार उसका वर्णन करता है। द फोर्थ सेक्शन में डिस्क्राइब द फ्लोरेट्स ऑफ थाउजेंड ह्यूज, और चौथे सेक्शन में चौथे भाग में जो फूल है वो सारे रंग बिरंगे फूल हजारों के रंग बिरंगे फूल है कास्ट ऑन द हार्ट्स ऑफ लिसिडियस, और जो लिसिडियस को हृदय है उसको आवरण उसको आकार देते हैं फूलों की तुलना करके उसको आकार देते हैं। मिल्टन बिलीव्स इन द मोर्टलिटी, मिल्टन का जो विश्वास है मोर्टलिटी यानी संभोग्यता विश्वास है। फाइंड एक्सप्रेशन इन द फिफ्थ सेक्शन, जिसको प्रकट किया गया फाइव सेक्शन में, ही सेज कहते हैं दो लिसिड इज इन हेवन एंड देयर फॉर वी फील नो मोर, कहता है कि लिसिड इज हेवन में है यद्यपि हेवन में लेकिन फिर भी हमें वी फील नो मोर, हम ज़्यादा उसके रोना नहीं चाहिए, तो वो मोर्टलिटी पर इसका विश्वास है। द एपिलोग रिफर्स टू द ग्रीक पेस्टल पोएट, और एपिलोग जो उसका उपसंहार है वो रिफर करता है ग्रीक पेस्टल पोएट, जो ग्रीक जो पेस्टल पोएट है उन पर रिफर करता है। द कंक्लूजन पॉइंट्स टू बी ए न्यू डिटर्मिनेशन टू फेस लाइफ होपफुली, और इसका अंतिम जो है पड़ाव है वो एक न्यू डिटर्मिनेशन एक दृढ़ निश्चयात्मक बताता है किस प्रकार हमें सामना आशापूर्वक जीवन का सामना करना चाहिए। एंड टू राइज अप टू ग्रेटर पोएटिक अचीवमेंट, और वापस उदय होना चाहिए पोएटिक उपलब्धि की बात ही वापस उदय होना चाहिए। दो लिसिडियस हेड्स इज ओरिजिन इन द लॉस ऑफ अ फ्रेंड, यद्यपि लिसिड अपने आप में उत्पत्ति एक जो फ्रेंड के खोने पर उसका अपना निर्माण खुद हुआ है, तो द पोएम बिकम्स इम्पर्सनल अव्यक्तिगत बन जाती है, टाइमलेस और सीमा से बंध नहीं बनती है। जो लिसिडियस की रचना हुई है एक दोस्त के खोने से ही, मतलब लिसिड जो उसका दोस्त है मतलब उसके खोने से ही ये लिसिड बनी है, तो ये पोएम इम्पर्सनल बन जाती है, व्यक्तिगत न होकर इम्पर्सनल बन जाती है और टाइमलेस रहती है। मिल्टन यूजेस प्लांट फ्लावर टू एक्सप्रेस द ग्रीफ ओवर द लॉस ऑफ फ्रेंड, और मिल्टन ने प्लांट और फ्लावर्स को बड़ी खूबसूरत तरीके से एक्सप्रेस किया अपना दुख व्यक्त करने के लिए जो उसका दोस्त खो गया था। ही सेज लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, कि अपनी ज़िंदगी खूब जियो बिकॉज यू नेवर नो इफ यू आर गोइंग टू वेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन क्योंकि तुम नहीं जानते कि अगले दिन तुम उठोगे, तो ये भी एक फूल की बात थी उन्होंने किया है जिस पर रोज़ का फूल रोज़ का वर्णन करता है। ही कंपेयर द अनप्रेसिडेंट ऑफ हिज फ्रेंड विथ रोजेज सेइंग, वह इसका वर्णन करता है अपने अनप्रेसिडेंट अचानक जो मृत्यु होती है उसकी दोस्त की एक रोज से तुलना करता है। एज किलिंग एज द कैंकर टू द रोज, जिसका रोज को एक कीड़े जो कीड़े हैं कीड़े मारते हैं कैंकर यानी कीड़े जो
नष्ट कर सड़ा देते हैं, उस प्रकार रोज़ को सड़ा देते हैं। एंड फ्रॉस्ट टू फ्लोवर, और फ्रॉस्ट यानी पाला, ठंड जो टू फ्लोवर के लिए होती है, उसका दोनों को तुलना करता है। पेन फ्लोवर डेवलप फ्रॉस्ट फ्रॉम द अर्ली कोल्ड मॉर्निंग, जिस पर फ्लोवर एंड फूल एक ठंड उत्पन्न कर देता है सुबह मॉर्निंग को, एक पाला उत्पन्न कर देता है रात को। दे टेंड टू डाई ड्रेजिकली, जो कीड़े हैं वह मर जाते हैं बड़े प्रीमैच्योरली, जो फूल जो बड़े होने से पहले ही ट्रेजिकली मर जाते हैं। इस प्रकार इन द सेम मैनर एज द किंग डीड, इसी प्रकार उसका दोस्त भी, उसी प्रकार उसका दोस्त भी वापस ऐसा ही हो जाएगा, जिस प्रकार कैंकर टू द रोज, जिस प्रकार जो कीड़े मकोड़े हैं जो रोज़ को गिला देते हैं, इसी प्रकार फ्लोर भी अपने एक पाला डेवलप कर देगा ठंड सर्दियों के दिनों में रात्रि को, ताकि वो सारे कीड़े मर जाएंगे। इसी प्रकार वो उसका दोस्त भी ऐसा ही करेगा फूल की भांति। मिल्टन कंपाइल्स पावरफुल इमेज फ्रॉम द नेचर एंड ग्रीक मैथोलॉजी अलोंग विद द बाइबल रेफरेंस इन ऑर्डर टू इजी द पेन एसोसिएट विद द प्रीमैच्योर डेथ ऑफ किंग। इस तरह मिल्टन ने कंबाइन किया एक पावरफुल इमेज को, नेचर प्राकृतिक को और ग्रीक मैथोलॉजी को, और इसके साथ साथ बाइबलिकल रेफरेंस भी लिया है कि ताकि उसको दुख को, इन ऑर्डर टू इजी द पेन, जो उसका दुख से संबंधित है उसको कम कर सके, विद द प्रीमैच्योर डेथ ऑफ दिस, उसकी दोस्त की मृत्यु प्रारंभिक कम उम्र में हो जाती है, उसके दुख को कम कर सके, इसका यूज किया है। डॉक्टर जॉनसन हैज रिकॉग्नाइज्ड द पोएम एज ट्रेडिशनल पेस्टोल, और डॉक्टर जॉनसन ने भी इसको एक ट्रेडिशनल पेस्टोल माना है, बिकॉज इट डिपिक्ट द आइडलाइज लाइफ ऑफ रूरल लेजर, और क्योंकि उसने बताया कि ये जो ग्रामीण जीवन है आराम, उसको आदर्शित किया है, उसको दर्शाया गया। ही आल्सो क्लेम्स दैट मिल्टन पोएम इजी वल्गर एंड देयरफॉर डिस्गस्टिंग वट यूर, और ये भी दावा करता है कि मिल्टन की जो पोएम है वो आसान, थोड़ी वल्गर, आम भाषा वाली है, और देयरफॉर डिस्गस्ट, और हताश करने वाली है। वाट यूर इमेज इट कैन सप्लाई आ लॉन्ग, जो भी इमेज एक सप्लाई करता है, बड़ी थकाऊ है, एग्जॉस्टेड, बड़ी थकाऊ है। एंड इट्स इनहेरिट इम्प्रोबिलिटी, और जो जन्मजात असंभावना है, ऑलवेज फोर्सेज डिससेटिस्फेक्शन इन माइंड, और एक असंतोष का भाव मस्तिष्क में पैदा, बाध्यपूर्वक मतलब जो जन्मजात असंभावना है और जो मस्तिष्क में असंतोष का भाव पैदा कर देती है। इसी प्रकार ये पेस्टोलेज है, आपको इसका लिंक, ये अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसका लिंक मैं आपको नीचे मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको कविता पढ़नी पड़ेगी,